जय हिंद जय भारत। आपका परम मित्र आपसे कुछ वादे करता है लेकिन वक्त आने पर उन वादों से मुकर जाता है। ऐसी ही हालत आज लद्दाख और लद्दाख के लोगों की भी है। जी हाँ, बात करते हैं क्लाइमेट फास्ट की। सोनम वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से लद्दाख में क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर वो लद्दाख के लोगों के साथ इस हंगर स्ट्राइक से जुड़े हुए हैं। इस वीडियो के बाद आपको एक क्लिप मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक जूम मीटिंग के थ्रू उन्होंने मास पॉपुलेशन को एड्रेस किया, जहां उन्होंने बताया कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, क्या कारण है कि वो अभी भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और लगातार 19 दिनों से इस क्लाइमेट फास्ट से जुड़े हुए हैं। आप एक क्लिप देखिए, अपनी एक विचारधारा बनाइए और जानिए कि क्या सही है और क्या गलत है। समस्या है और ऐसे में वो गलतियां कर बैठेंगे, बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठेंगे जिसका सामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। गलतियां तो वो करेंगे जो बहुत अच्छे साफ लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट्स में भी जो साफ नहीं होंगे वो तो बेच देंगे यहाँ के वादियों को, पहाड़ों को, उद्योगों को, और फिर हम उसको भुगतते रहेंगे, हम बेघर होके सड़कों पर पहुंचेंगे, ये हाल होने वाला है हमारा। तो इसलिए हम आग लगने से पहले कुआं खोदना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं कि ऐसा हाल जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक देख रहे हैं, वैसा या उससे भी बुरा लद्दाख के साथ ना हो। तो करने का वक्त अभी है, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि शुरू में ही अगर हम इसे रोक लें चिंगारी को तो आग नहीं बनेगी। तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे डटे रहें। तो इसलिए मैं अभी 21 दिन के अनशन पे हूँ और जरूरत पड़े तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मगर लोगों का यहाँ पर बहुत दबाव है, बिलक बिलक के मतलब सैनिक आके रोते हैं मेरे सामने, भूतपूर्व सैनिक की आपके सेहत को कुछ हुआ तो फिर ये जंग भी खत्म हो जाएगी। तो अब हम एक और फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि ये रिले फास्ट चलता रहे, मेरा खत्म हो 26 तारीख, तो उसके बाद महिलाएं 10 दिन का करने वाली है, 10 दिन का अनशन, उसके बाद फिर युवा, उसके बाद फिर भिक्षु, उसके बाद फिर बड़े बूढ़े, इसके बाद फिर नोमैड जो चरवाए हैं खानाबदोश, इस तरह से करते जाएंगे, इसे खत्म नहीं होने देंगे, ऐसा यहाँ चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि आपके सारी संस्थाएं इस जद्दोजहद में साथ देंगे, सिर्फ लद्दाख के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि भारत को बचाने के लिए भी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि लद्दाख बहुत ही सीमा पर संवेदनशील जगह है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, और यहाँ के लोगों के मन को ठेस पहुंचे तो उसका सीधा असर पड़ेगा। अगर अगर भारत सीमा पर कोई संघर्ष हुआ तो लोगों के मनोबल का उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग आधा तो लोग करते हैं, आधा सैनिक, आधे से ज्यादा सैनिक करते हैं, मगर कम लोग नहीं करते हैं। यहाँ की साधारण जनता युद्ध भूमि तक चली जाती है, अगर उनका मनोबल कम हुआ तो सैनिकों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। मगर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जो अभी की सरकार है उन्हें उसका भी फिक्र नहीं है, लगता है उन्हें भारत चाहे युद्ध में हार भी जाए उसका फिक्र नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी अगर संवेदनशील सरकार हो तो वो ये देखेगी कि ऐसे सीमा पर लोगों को ठेस पहुंचाना देश के हित में नहीं है। इनकी छोटी सी तो मांग है उसको पूरा कर देते हैं, मगर उनका अहम है या फिर उनका लालच है सत्ता का या किसका मुझे नहीं पता, वो इतना बड़ा है कि वो देश की सुरक्षा को भी ताक पर रख कर अपने अहम के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं देंगे लद्दाख को, या हमें हमारा यहाँ पर एक मानना ये है कि उन्होंने इतना बड़ा कीमत ले लिया है लद्दाख का उद्योगपतियों से, खनन गुटों से, कि अब वो वापस भी नहीं जा सकते। हो सकता है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के 8,000 करोड़ में से शायद 2-3 हजार लद्दाख की कीमत हो, तो जो भी है हमें नहीं पता, मगर कुछ ऐसा समस्या है कि वो अब इतनी छोटी सी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। मतलब यूटी देना बहुत मुश्किल था, वो दे दिया, मगर जो छोटी सी कोट दे दिया मगर बटन देने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब इस बटन में कोई राज छुपा है जो शायद हमें नहीं समझ आ रहा है, जिसके वजह से वो इतने हट पे खड़े हैं कि एक छोटी सी चीज जो आराम से दी जा सकती है
यूपी बनाने के लिए तो 370 हटाना था जो कि लगभग नामुमकिन था, वो उन्होंने किया। अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता ज्यादा। लद्दाख के लिए ये एक ही तरीका था कि लद्दाख अलग हो सकता था जम्मू कश्मीर से, जो कि लद्दाख की मांग थी। तो उतना करने के बाद अब सिर्फ सिक्स शेड्यूल या लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ के जनता को लोकतंत्र देना, उपराज्यपाल पर न छोड़ देना, यहीं पे असेंबली हो, चुने हुए प्रतिनिधि अपने सरकार से अपने ख्वाहिशों के अनुसार यहाँ की व्यवस्था प्रबंधन चलाएं, वो छोटी सी मांग न दे पाना अपने आप में बहुत हैरानकुन है। तो यही मैं आप लोगों से बांटना चाहता था। बाकी जैसा मैं कह रहा था आप लोगों के साथ कि हमें निरंतर उम्मीद रहेगी अपने अपने जगहों से। आज पूरे भारत में करीब 50 शहरों में कहते हैं सभाएं हुई, तो इस तरह से अगली बार आप भी सब अपने अपने शहरों में करें तो लद्दाख और देश के लिए बहुत बहुत मायने रखेगा। धन्यवाद।